हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो जीटीयू एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। चैप्टर है पंप और सब्जेक्ट है बीएमई। और जो एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट कोड है 3110006। तो सब्जेक्ट का डेटा पढ़ते हैं, फिर डेटा नोट डाउन करते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन शॉर्ट में दिखा रहा हूं। तो प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो हमारे पास ये पंप है लेकिन डबल एक्टिंग है, याद रखें। आई राइट डाउन हियर द डेटा, इट इज अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। इट हैज पिस्टन डायमीटर ऑफ 150 mm। तो डायमीटर मुझे दिया है डी इज इक्वल टू 150 mm और mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.15 मीटर डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ 225 mm। तो स्ट्रोक लेंथ मुझे दी है L इज इक्वल टू 225 mm। मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मीटर में 0.225 मीटर। हम mm को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में वो वैल्यू मिल जाएगी। द सक्शन एंड डिलीवरी हेड्स आर 4 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स मुझे सक्शन हेड दिया है HS इज इक्वल टू 4 मीटर और डिलीवरी हेड दिया है 12 मीटर का। तो टोटल हेड मीन्स HS प्लस HD होने वाला है, वो बाद में हम एडिशन करेंगे लेकिन अभी सेपरेटली मैंने लिखा है 4 मीटर एंड 12 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द पंप इज 80 rpm, स्पीड ऑफ द पंप मीन्स N दिया है 80 rpm रिवोल्यूशन पर मिनट एंड द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज इज 0.61 मीटर क्यूब पर मिनट। एक्चुअल क्वांटिटी मीन्स एक्चुअल डिस्चार्ज मुझे दिया है क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू 0.61 मीटर क्यूब पर मिनट। लेकिन हमें मीटर क्यूब पर मिनट में नहीं चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए। तो उसको मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं और जब 60 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिलती है 0.0101 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये एक्चुअल डिस्चार्ज हुआ। तो हमें क्या डिसाइड करना है, फाइंड द परसेंटेज स्लिप, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 80%, एफिशिएंसी ऑफ द पंप मुझे दी है 80% मीन्स 0.8। और हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज स्लिप। एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज स्लिप कितनी होगी, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मीन्स CD डिसाइड करना है। और थर्ड है पावर रिक्वायर्ड, एक्चुअल पावर मीन्स पावर P डिसाइड करना है, एक्चुअल पावर कितना होगा। तो ये तीन वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के। मुझे परसेंटेज स्लिप फाइंड करने के लिए एक्चुअल डिस्चार्ज तो मेरे पास है लेकिन थियोरेटिकल डिस्चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले मैं थियोरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट करता हूं, QTH। और QTH मींस 2LAN डिवाइडेड बाय 60, ये इक्वेशन होगा। अभी 2 क्यों लिखा, डबल एक्टिंग है इसलिए। तो ट्वाइस L मींस लेंथ ऑफ स्ट्रोक L, तो L है 0.225। A means pi by 4 d square, तो pi by 4 into d means 0.15 square, pi by 4 d square, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में L, N means RPM, तो RPM मुझे दिया है 80 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 60 से हम डिवाइड करेंगे। तो आप जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर दी है, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 0.0106 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मुझे मिला QTH। अभी QTH मिला तो परसेंटेज स्लिप हम फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू QTH माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय QTH मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इक्वेशन है। अभी ये इक्वेशन जब हम लगाते हैं QTH माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय QTH इनटू 100, तो QTH तो मेरा कितना है 0.0106, क्यू एक्चुअल है 0.0, वो ऑलरेडी दिया है 0.0101,
डिवाइडेड बाय 0.0106 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 4.71%। ये स्लिप, परसेंटेज स्लिप जो मिली उसकी वैल्यू इतनी आती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अभी सेकंड क्वेश्चन है सीडी। सीडी मुझे डिसाइड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू थियोरेटिकल, और वो दोनों का रेशियो जब हम लेंगे 0.0101 और क्यू टीएच है 0.0106, तो वो वैल्यू मिलती है 0.95। तो ये सेकंड आंसर हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आई 0.95। और थर्ड जो क्वेश्चन है पावर, तो पावर के लिए इक्वेशन मैं लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू 2 times 2 मीन्स डबल एक्टिंग के लिए रो जी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय टोटल हेड मीन्स एच एस प्लस एच डी एंड इट इज डिवाइडेड बाय 60 into 1000। तो डायरेक्ट मुझे वैल्यू मिलने वाली है वो किलोवाट में मिलेगी, और जब वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं इज इक्वल टू 2 times rho means 1000 जी मीन्स 9.81, आप देख सकते हैं यहां मैं लिख रहा हूं, इंटू ए मीन्स पाई बाय 4, डी मीन्स 0.15 square मल्टीप्लाइड बाय एल, एल मीन्स 0.225 into 80 एंड इंटू एच एस प्लस एच डी मीन्स 4 plus 12, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड दिया है और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 60,000 से, 60 into 1000। और जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर पावर का मिलता है पी इज इक्वल टू 1.66 किलोवाट। ये लेकिन थियोरेटिकल पावर है। एक्चुअल पावर अगर कैलकुलेट करना है, एक्चुअल, लेट मी राइट हियर, एक्चुअल पावर इज इक्वल टू थियोरेटिकल पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी 80% ही है। तो एक्चुअल पावर हम कैलकुलेट करते हैं, जो कंजप्शन चाहिए वो ज्यादा कंजप्शन होगा पावर का, क्योंकि पंप पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो थियोरेटिकल पावर कम आया, लेकिन एक्चुअल पावर कंजप्शन ज्यादा होने वाला है, तो अब थियोरेटिकल पावर को एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.66 डिवाइड बाय एफिशिएंसी थी 0.80 और वो जो वैल्यू मिली वो आया 2.075 किलोवाट, मींस एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट पंप की ज्यादा आएगी 2.075। आई होप ये वैल्यू और ये आंसर का, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आंसर, वो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, मुझे एक बात और भी कहनी थी, एज पर GTU शेड्यूल, जो GTU का एग्जाम टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अनुसार आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका क्वेश्चन मिस एग्जाम है 29 January 2024, 2:30 PM to 5 PM। जो पहले 10 January की जो एग्जाम थी वो वाइब्रेंट गुजरात की वजह से अभी नाउ इट इज शिफ्टेड टू 29 January, वो शेड्यूल में दिखा रहा है। तो 29 January के रेफरेंस में आपको मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे प्लेलिस्ट पर एक वीडियो अवेलेबल है, तो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का टाइटल इस प्रकार है, IMP क्वेश्चंस फॉर BME एग्जाम। आप जब BME एग्जाम दे रहे हैं तो सब कुछ तैयार करना है, लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तो उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BME एग्जाम उस प्रकार का वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर BME एग्जाम, तो ये वीडियो जाके जरूर देखें। ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे रहा हूँ, तो उस डिस्क्रिप्शन पर जाके ये वीडियो आप जरूर देखें आपकी कन्वीनियंट टाइम के अनुसार। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।